नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, एक तारीख से लेकर के 30 तारीख तक के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कैसा रहेगा मेष राशि वाले पूरे नवंबर महीने में 30 दिनों का हाल, क्या क्या ग्रहों की स्थितियों में आपके जीवन में होगा बदलाव, किस क्षेत्र में किस प्रकार की तरक्की होगी, जीवन के संपूर्ण महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करूंगा। साथ में वीडियो के अंतिम पड़ाव में यह भी बताऊंगा कि इसको शुभ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। प्रिय मेष राशि वाले, अगर नवंबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र की स्थितियों की बात की जाए तो कर्म क्षेत्र में शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं जो सस नामक राज्य को उत्पत्ति करके रखे हैं और 13 नवंबर तक मंगल की अष्टम दृष्टि भी है मकर राशि पे उच्च अवस्था का। अतः 13 नवंबर तक कर्म क्षेत्र में जिनकी नौकरी में दिक्कतें हो रही थी क्षण भर में लगने की संभावनाएं बन जाएंगी। नए नौकरी व्यवसाय में अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। कर्म क्षेत्र का प्रबल होना यह दिखाता है कि पिता के द्वारा भी आपको कर्म क्षेत्र में सपोर्ट मिलेगा। राजनयिक क्षेत्र में भी सफलता के रास्ते बेहतर खुलने हुए दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि 13 नवंबर के बाद स्थितियों में दिक्कतें आएंगी, 13 नवंबर के बाद भी आपके जीवन में तरक्की के संपूर्ण रास्ते खुलेंगे। अतः जिनको लगता था कि नए नौकरी व्यवसाय का कोई अवसर नहीं है, बिल्कुल मत घबराइए, नवंबर महीने कर्म क्षेत्र के लिए आपका बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है। अगर नवंबर महीने में विदेश यात्रा की बात करूँ तो विदेश यात्रा कारक बृहस्पति जो है यह शुभ अवस्था में है और 24 नवंबर को यह मार्गी भी हो रहे हैं। अतः द्वितीय स्थान के लॉर्ड शुक्र का केंद्र में विराजमान होना यह स्पष्ट तौर पर प्रतीत कराता है कि आपके जीवन में 11 नवंबर तक विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष बढ़ोतरी के अवसर दिखेंगे। 11 नवंबर के बाद थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, परंतु पुनः 24 नवंबर के बाद आपके जीवन में विदेश जाने की संभावनाएँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग तौर पर बढ़ जाएगी। यानी आपके जीवन में 11 नवंबर तक योग अच्छा है, उसके बाद पुनः आप 24 नवंबर के बाद विदेश यात्रा कर सकते हैं। अगर आय और धन की बात की जाए तो मेष राशि वाले आय कारक शनि खुद अपनी राशि में सस नामक राज्यों की उत्पत्ति करके रखे हैं और 13 नवंबर के बाद मंगल जो है वो द्वितीय स्थान पर चले जाएंगे, जिसका तात्पर्य मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तौर पर समझा देता हूँ। तात्पर्य ये है कि ऐसे तो पूरे जीवन नवंबर के महीने में पूरे नवंबर का महीना जो रहेगा पूरा का पूरा महीने में आय की कमी नहीं होगी। 13 नवंबर के बाद जब मंगल धन स्थान में चले जाएंगे तो अचानक धन की प्राप्ति चालू हो जाएगी, मतलब लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में अचानक से धन की प्राप्ति चालू हो जाएगी। और आपके जीवन में बुध जो है यह 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे और इसके अलावा जो है सूर्यदेव भी जो है यह 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे और शुक्र भी जो है 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। जब ये तीनों ग्रह अष्टमेश हो जाएंगे तो इनकी सातवीं दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ने लगेगी। अतः आपके जीवन में 11 नवंबर के बाद अचानक ज़्यादा धन का योग बनेगा और इसी समय जो है नौकरी व्यवसाय के बदलाव को लेकर के भी अचानक धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। इसी समय धन की बढ़ोतरी भी आपके जीवन में होनी चालू हो जाएगी, पैसे जो जमा हो रहे थे वह भी जमा होने चालू हो जाएंगे। लेकिन जहां तक कर्ज वगैरह की समाप्ति करने की स्थितियां हैं तो मैं बोलूंगा कि 13 नवंबर से पहले आप अगर कर्ज है तो उसको समाप्ति के उल्लेख करके जाए, क्योंकि 13 नवंबर के बाद कर्ज से रिलेटेड कोई विशेष स्थितियों में सुधार नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ दाम्पत्य जीवन और इसके अलावा लव लाइफ की, सीधी बात करता हूँ 11 नवंबर के बाद आपके लव लाइफ में विशेष सुधार के योग दिखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं नीच भंग राज्यों के कारण तो 16 नवंबर तक प्रेम विवाह से योग बहुत अच्छे हैं। 16 नवंबर तक लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं खुद के वैवाहिक जीवन में सुधार का और विवाह के रिश्ते की, तो मैं आपको बहुत ही क्लियर बता दूं, सातवें भाव में 16 नवंबर तक सूर्य रहेंगे। सूर्य सातवें भाव में वैवाहिक जीवन को तो ठीक नहीं होने देगा। अतः 16 नवंबर के बाद दाम्पत्य जीवन में विशेष सुधार का योग देखने को मिलेंगे और विवाह के योग 16 नवंबर के बाद बहुत ही अच्छे बनने चालू हो जाएंगे। अतः 16 नवंबर के वैवाहिक जीवन में सुधार भी है, ससुराल पक्ष से तालमेल भी अच्छा है और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विवाह के रिश्ते भी अच्छे आएंगे। अगर मैं भूमि मकान वाहन संपत्ति की बात करूँ मेष राशि वाले, तो भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक जो है आपकी कुंडली में वह एक्चुअल में चंद्रमा होते हैं जो हर सवा दो दिन में चेंज कर लेते हैं, लेकिन शनि कर्म क्षेत्र में विराजमान है और जिनकी सातवीं दृष्टि फोर्थ हाउस पे है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट यह भी है कि बृहस्पति की भी पांचवी दृष्टि उच्च का आपके चतुर्थ स्थान पे पड़ रहा है। अतः पूरे महीने माता पिता से तालमेल भी ठीक है
और भूमि मकान वाहन और संपत्ति का लाभ है। लेकिन मंथ के अंतिम समय में यानी 24 नवंबर के बाद अचानक भूमि मकान वाहन और संपत्ति का लाभ विशेष तौर पे दिखना चालू हो जाएगा, जो हम लोग के लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही लाभकारी स्थितियों में प्रतीत होता है। अगर संतान शिक्षा की बात कर लूँ क्या स्थिति है, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ, अभी सूर्य जो आपके पंचमेश है वो नीच के हैं 16 तारीख तक। हालांकि सूर्य के साथ बुध बुधादित्य योग की स्थिति में है, 16 नवंबर तक संतान से तालमेल ठीक ठीक रहेगा, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के जो परेशानियां हैं वो ठीक ठीक रहेगा। लेकिन 16 नवंबर के बाद संतान सुखों में वृद्धि के अच्छे अवसर दिखेंगे, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिल जाएगी ही। इसके अलावा जो है इस समय जो है शिक्षा में बाधा या कहीं अच्छे जगह पे एडमिशंस वगैरह नहीं हो पा रहे थे, तो 16 नवंबर के बाद इससे रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं केस मुकदमा की स्थिति होगी, तो केस मुकदमा कारक मंगल जो है हालांकि पराक्रम में से आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे 13 नवंबर के बाद केस मुकदमा से मुक्ति के अवसर दिख जाएंगे, और 13 तारीख के बाद फिर जो है आपके जीवन में हो सकता है कि अगर आपको कोई बेल वगैरह मिलना है तो 13 तारीख के बाद मिलने की संभावनाएँ बन जाएंगी। पूरे महीने उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए, उपाय के तौर पर पूरे महीने मन की शांति अवश्य रखनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपके द्वितीय स्थान पे चार चार ग्रहों का प्रभाव रहेगा, अतः वाणी पे नियंत्रण और परिवार के लोगों से तालमेल बेहतर बनाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो कर सकें, जल में गुड़ डाल करके पूरे महीने सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और इसके अलावा जो है अगर पीला चंदन का तिलक लगाते हैं तो आपके लिए पूरे महीने बहुत ही बेहतर रहेगा मेष राशि वाले। तो प्रिय मेष राशि वाले, नवंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं सरोजा डॉक्टर वी गुप्ता, मिलूंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।